हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निम्बस डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एंड आज का जो वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एनडीए 1 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और जो कैंडिडेट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नावल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एनडीए, दे कैन अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम, एनडीए 1 2021 एग्जाम। एंड एग्जाम जो है वो 18 अप्रैल को कनेक्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट द वैकेंसीज, अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, द सिलेबस ऑफ द एग्जाम एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द एनडीए 2021 एग्जाम। सो सबसे पहले हम चलते हैं वैकेंसीज के ऊपर। 400 सीट्स हैं इन टोटल। एंड मूविंग हेड बाइफर्केशन के ऊपर चलते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स के ऊपर अगर हम चलें तो हमें पता है जैसे कि दे आर टू मेजर अकेडमीज, वन इज नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड अदर वन इज नवल अकेडमी, जिनके लिए एनडीए के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। तो एनडीए में नेशनल डिफेंस अकेडमी में 370 सीट्स हैं, आर्मी के लिए जो है वो 200 सीट्स हैं, एयरफोर्स के लिए 120 सीट्स हैं, नेवी के लिए 42 सीट्स, नवल अकेडमी के में 30 सीट्स रहेंगी। तो दीज आर द टोटल 400 सीट्स बाइफर्केशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो अकॉर्डिंगली आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे अभी एंड एलिजिबिलिटी के हिसाब से यू कैन अप्लाई फॉर द काइंड ऑफ फोर्स यू वांट टू जॉइन इन। मूविंग अहेड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले 30 दिसंबर, दिस टूडे, आज से जो है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, अप्लाई कर सकते हैं आप। 19 जैन इज द लास्ट डेट, बट आई वुड जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट यू, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना, टाइम पे आप अप्लाई करिए। सो दैट कि लास्ट में कई बार सर्वर का इशू आता है, लास्ट में हेफली हमने इसको ऊपर वर्क नहीं करना। इस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली जो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। एग्जाम डेट इज 18 अप्रैल, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का टाइम है आपके पास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बट बी केयरफुल, आपके आपके प्लस टू के एग्जाम्स भी होंगे, आपके प्लस टू के एग्जाम भी रहेंगे इसमें। फाइन, सो मूविंग हेड, नेक्स्ट हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबल कौन है? सबसे पहले नेशनलिटी की बात करें, एनीबडी हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु इज परमानेंटली सेटल्ड इन इंडिया, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। एज की अगर हम बात करें तो एज एलिजिबिलिटी में सबसे पहले यस यू नीड टू बी अनमैरिड मेल, यस अनमैरिड मेल, गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अनमैरिड मेल बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002 एंड 1 जुलाई 2005, 2 जुलाई 2002 के बाद इनका बर्थ हो और 1 जुलाई 2005 से पहले जिनका बर्थ हो, ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सो यू कैन चेक योर डेट ऑफ बर्थ एंड अकॉर्डिंगली चेक योर एलिजिबिलिटी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं देन 12th पास होना चाहिए आपका। इवन आप 12th क्लास में हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप अपियरिंग हैं, मार्च में आपका प्लस टू के एग्जाम है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम, राइट। दिसंबर 2021 तक आपकी 12th जो है वो पास होनी चाहिए। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी 12th क्लास में है अभी, सो दे ऑल विल बी फ्री प्रोवाइडेड यू पास योर एग्जाम, 12th एग्जाम। सो आर्मी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 12th में किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द एयरफोर्स, आपकी फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है या नेवी है या फिर नावल अकेडमी है, देन 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना मैंडेटरी है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप ऑटोमेटिकली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वहां पर स्टडी करते हैं। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो जब भी आप अप्लाई करेंगे बी केयरफुल, अगर आपके पास प्लस टू में मैथ्स या और फिजिक्स नहीं है देन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द आर्मी विंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एयरफोर्स, नेवी और नावल अकेडमी। फाइन, सो मूविंग हेड, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना सिंपल है, यू कैन विजिट upsc.gov.in वेबसाइट के ऊपर अप्लाई जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन रहेगी, अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की सॉफ्ट कॉपीज आपने सेव कर लेनी है बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज ये अपलोड करनी होती है वहां पर। एंड देन यू विल आल्सो यूज वन आई कार्ड, एक आई कार्ड जो आप यूज करोगे जो कि थ्रू आउट आपका एनडीए एग्जाम का प्रोसेस है, वही कार्ड जो है उसमें वैलिड रहेगा। सो आई सजेस्ट डोंट यूज योर ड्राइविंग लाइसेंस, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपका एसएसबी का इंटरव्यू है और उस तरफ आपका चलान हो गया, सो दैट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू। सो इंस्टेड ऑफ दिस यूज सम अल्टरनेट आई कार्ड फॉर दैट। और एग्जाम सेंटर जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं, तो जब भी आपने अप्लाई करना है सो इट्स बेटर यू अप्लाई इन इन टाइम।
सो दैट आप जो आपकी फर्स्ट चॉइस है एग्जाम सेंटर की वो आपको प्रोवाइड हो जाए. अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में अप्लाई करेंगे आपका सेंटर अगर फिल होगा तो यू विल बी प्रोवाइडेड सम अदर सेंटर, प्रॉब्ली हो सकता है आपको वहां पर थोड़ा सा मूवमेंट का प्रॉब्लम हो, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो टाइम पे अप्लाई करते हैं. फाइन, सो लेट्स मूव हेड, आगे चलते हैं हम. फी डिटेल्स, 100 रुपीज की फीस रहेगी इसके लिए, बट जो एसएससी कैंडिडेट्स हैं या सन्स ऑफ जेसीओज, एनसीओज एंड अदर रैंक्स, सो उनके लिए कोई फीस नहीं है, बट अदरवाइज अ नॉर्मल फी ऑफ ₹100 इज चार्ज फॉर दस. नेक्स्ट इज एग्जाम सेंटर्स. एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हैं आपके जो भी सिटीज हैं, आपके नियरेस्ट सिटीज हैं, उसके हिसाब से आप जो है वो एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट. बट मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको अप्लाई इन टाइम सो दैट कि लास्ट मोमेंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज योर एग्जाम पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, राइट. फोर ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है. दिस इज द एग्जाम पैटर्न. एंड देन देयर विल बी टू एग्जाम्स, पेपर वन रहेगा, पेपर टू रहेगा. पेपर वन इज ऑफ मैथमेटिक्स, 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2.5 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का ये मैथ्स का सेक्शन रहता है, मैथ्स का पेपर रहता है. मैथ्स के पेपर के बाद पेपर टू आपका चलता है, दैट इज कॉल्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट. जनरल एबिलिटी इसको नाम दिया जाता है. इसके अंदर फर्दर दो सेक्शन होते हैं, वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, अदर वन इज जनरल नॉलेज. इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 200 मार्क्स का ये हो जाता है. और जनरल नॉलेज के अगेन 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का ये पेपर आ जाता है. तो टोटल 600 मार्क्स के बन जाते हैं, 300 और 900, टोटल 900 मार्क्स का ये पेपर बनता है. इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो कट ऑफ जाएगी वो 900 में से कट ऑफ जो है वो डिसाइड की जाती है, बट यू नीड टू पास इंडिविजुअली मैथमेटिक्स सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन एंड जनरल नॉलेज सेक्शन. इन ईच सेक्शन, इन ईच सब्जेक्ट यू नीड टू स्कोर मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स. मतलब मींस मैथमेटिक्स में आपको आउट ऑफ 375 मार्क्स लेने, इंग्लिश में आउट ऑफ 200 आपको 50 मार्क्स लेने, जनरल नॉलेज में आउट ऑफ 400 आपको मिनिमम 100 मार्क्स लेने हैं. सो इन केस आपके ओवरऑल 500 मार्क्स आ गए, बट आप इंग्लिश में सपोज आपके मार्क्स कम है या मैथ्स में आपके मार्क्स कम है, सो प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको एसएसबी के लिए जो है वो एसएसबी के लिए मेरिट में, मेरिट के लिए आपको कंसिडर ना किया जाए. सो बी केयरफुल, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सभी सेक्शन में जो है वो एक डिसेंट स्कोर लेके आते हैं. फाइन, सो मूविंग हेड, देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स. अगर आप चार ऑप्शन गिवन है, चार में से अगर गलत ऑप्शन आप मार्क करते हैं तो 1/3 मार्क्स जो आप उसके डिडक्ट किए जाते हैं. तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए. If you mark wrong answers, then you will get penalty for that. So next cutoffs, very important. Cutoff क्या रहेगी? हम exam देते हैं, exam में हमें ये तो clear होना चाहिए कि भाई score कितना करना है. So मैं cutoffs आपके पास cutoff की list लेके आऊँ. Last के जो 3 years के cutoffs हैं, वो complete cutoffs NDA की भी और NDA plus SSB जो final merit list बनती है, उसकी भी cutoff available है. तो सबसे पहले एनडीए 1 का अगर देखें, 2019 में एनडीए 1 का एग्जाम हुआ था तो 342 वाज द कट ऑफ. एनडीए 2 का एग्जाम हुआ, 346 कट ऑफ गई थी. और 2018 में 338, 325, 2017 में 342 एंड 258 मार्क्स. सो राउंड कट ऑफ जो है हमारी अभी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, एंड 350 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे एनडीए में ताकि आपको आपकी कट ऑफ क्लियर हो सके. बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको फाइनली सिलेक्ट होना है तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, दैट इज एनडीए प्लस एसएसबी, एनडीए और एसएसबी की कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है. तो अगर आप, और इसमें से कितना स्कोर करने, एसएसबी का आपका इंटरव्यू दैट इज आल्सो ऑफ 900 मार्क्स. सो दिस इज जो फाइनल कट ऑफ जा रही है, दिस इज 709 आउट ऑफ 1800. ये 2019 का एनडीए 2 का एग्जाम हुआ, लेटेस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो 1800 में से 709 मार्क्स पे गई है. और उससे पहले एनडीए 1 की बात करें तो 1800 मार्क्स में से 704. सो एसएसबी इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का प्रेशर लेने की बजाय इट्स बेटर कि आपका जो एनडीए का एग्जाम हो रहा है, रिटन एग्जाम हो रहा है, उसमें एक डिसेंट स्कोर, 350 कट ऑफ है, यू नीड टू हैव अ मार्जिन ऑफ 100 मार्क्स, राउंड 450 मार्क्स, राउंड 450 मार्क्स आपको रिटन में लेने हैं. और एसएसबी में इवन इफ यू स्कोर से 270 280 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, स्टिल यू गेट इन टू द मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट में आप 720 प्लस मार्क्स लेके आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एनडीए का जो रिटन एग्जाम है उसमें कट ऑफ के आसपास घूमेंगे तब प्रॉब्लम आएगी. कट ऑफ से राउंड 80-100 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा स्कोर करने हैं,
सो वी नीड टू फिक्स अप अ टारगेट कि मुझे 450 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं रिटन एग्जाम में. सो आई थिंक दैट्स क्लियर फॉर यू. एंड नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा 300 मार्क्स आते हैं. तो इसमें अलजेब्रा रहता है, इसमें सारा सारा प्रोग्रेशन, सेट थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनरी सिस्टम, सारे इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाते हैं. इसमें एपी, जीपी, एचपी, ये सारे सारे जो है वो चैप्टर जो है वो अलजेब्रा के अंदर कवर किए जाते हैं. देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स रहेगा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री और 2D एंड 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस कंप्लीट, लिमिट फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज अ होल सिलेबस, मींस सी सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपका 10+1 और 10+2 में से पिक किया गया है. तो जो बच्चे 10+1+2 में नॉन मेडिकल हैं या इनके पास मैथ्स है तो उनके लिए एडवांटेज है, और जिन्होंने +1+2 में मैथ्स स्टडी नहीं किया है तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, उनको और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है बिकॉज ये कंप्लीट मैथमेटिक्स उनको स्टडी करना पड़ेगा. मूविंग हेड पेपर टू की बात करते हैं. पेपर टू में अगर हम चलें तो पेपर टू में जैसे हमने बताया कि दो पार्ट्स रहते हैं, वन इज इंग्लिश, अदर वन इज जनरल नॉलेज. सो इंग्लिश के में क्या रहता है, किसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया जाता है. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4-5 क्वेश्चन रहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, एंटोनिम्स, नॉनिम्स, इसके और फिलर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं. तो राउंड 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. पैराजंबल्स के 5-10 क्वेश्चन रहते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन 5-8 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे. स्पॉटिंग द एरर्स इन ग्रामर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन लाइक प्रेपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, idioms and phrases, यहाँ से राउंड 8-10 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं. सो इजी सेक्शन है इंग्लिश का, बट यस हाँ प्रिपेयर तो करना पड़ेगा तभी इजी होगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू जनरल नॉलेज, 100 क्वेश्चन विल बी देयर. और सबसे ज्यादा वेटेज देखिए फिजिक्स में, सबसे ज्यादा वेटेज है 25 क्वेश्चन फिजिक्स में से और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से. जो आपका जनरल साइंस है या बायो की बात करें कम क्वेश्चन आते हैं, राउंड 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे. ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री अगेन वेरी हाई वेटेज, 20 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री. एंड इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स भी कवर किया था, यहाँ से राउंड 10 क्वेश्चन आते हैं. तो मेजरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये चार सेक्शन है जहाँ से राउंड 80% पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का कवर होगा. तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत रहेगी, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहते हैं दैट इज एनडीए का रिटर्न एग्जाम होगा. ओके वन मोर थिंग, जब एनडीए का रिटर्न एग्जाम होगा तो अप्लाई करते वक्त आपसे पूछा जाएगा यू वांट टू अप्लाई फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आर्मी है और एयरफोर्स है, नेवी है और नावल एकेडमी है. एंड व्हेन जब भी आप ये इसके लिए प्रेफरेंस फिक्स करेंगे, एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए. ऐसा ना हो कि आप आर्मी के लिए ही एलिजिबल हो, एयरफोर्स नेवी के लिए एलिजिबल ना हो, आपके पास प्लस टू में नॉन मेडिकल या फिर मैथ्स एंड फिजिक्स ना हो, तब आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उस केस में. नाउ देन अगर हम आर्मी की बात करें हम, तो जो आपकी प्रेफरेंस आपने फिक्स कर ली है, सपोज आर्मी फिक्स कर ली है, तो SSB के लिए आपको आर्मी का जो SSB सेंटर है वो कॉल करेगा. अगर आपने एयरफोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस फिक्स करी है तो एयरफोर्स का SSB आपको कॉल करेगा. नेवी प्रेफरेंस है आपकी फर्स्ट, तो नेवी का जो है वो आपको SSB सेंटर आपको कॉल करेगा फॉर SSB इंटरव्यू. फाइन, और ये जो चॉइस एक बार फिक्स कर देते हैं ये चॉइस द्वारा चेंज नहीं की जा सकती है. अगर आप SSB इंटरव्यू के दौरान इफ यू आर रिकमेंडेड देन यू गो फॉर द मेडिकल, अगर आप मेडिकली फिट हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हम पहले डिस्कस किया, NDA प्लस SSB के जो कंबाइंड स्कोर होता है उसके बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. That will give you the final merit list. इसके basis के ऊपर जो finally जो top students होते हैं they are recommended for the National Defence Academy. So next is SSB interview. थोड़ा सा brief हम उसके ऊपर discuss कर लेते हैं. SSB interview में दो stage होती हैं. Stage one में basically officer intelligence rating test होता है और picture perception description test होता है. This is also known as screening round. स्क्रीनिंग राउंड, स्क्रीनिंग के अंदर जो है वो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, जो OIR टेस्ट होता है या पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, इसमें परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं. मतलब यू मीन टू से आउट ऑफ 100 से 30-40 स्टूडेंट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट दे आर सेंड बैक. नॉर्मली जो ट्रेंड है उसमें SSB के अंदर,
अराउंड 56 कैंडिडेट जो आप वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज से ही वो बाहर हो जाते हैं। जो स्क्रीनिंग के बाद सेकेंड राउंड के लिए जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, दे गो थ्रू द SSB इंटरव्यू फॉर द नेक्स्ट 4 डेज, नेक्स्ट 4-5 डेज के लिए चलता है। तो उसमें इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के साथ में आपके इंडिविजुअल टास्क होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं, ग्रुप टास्क रहते हैं, देन ग्रुप प्लानिंग होती है, एक्सटेम्पोर होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर कैरी आउट होती हैं। देन वन डे विल बी रिजर्व फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। नॉर्मली फर्स्ट डे पे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं, आफ्टर स्क्रीनिंग राउंड यू गो थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड देन ऑन द फाइनल डे दे विल बी कॉन्फ्रेंस राउंड। ऑन द कॉन्फ्रेंस राउंड कॉन्फ्रेंस जो भी कैंडिडेट्स होते हैं आफ्टर SSB they are given the opportunity to present themselves in the conference round. And ये सारे जो टेस्ट हैं they are conducted over a period of 5 days, 5 दिन का आपका इंटरव्यू चलता है, and this is one of the longest interview that you might have seen. Fine, so this is the whole process of SSB interview. और NDA exam की अगर आप preparation करना चाहते हैं, आप apply कर रहे हैं NDA के exam के लिए, आप अगर आप eligible हैं, it's very important that you get serious about the NDA exam. Because हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 3.5 months हैं, बीच में 1 month के लिए आपका एग्जाम रहेगा, सो देन वी नीड टू नो हाउ वी कैन डू वेल। सो हमने डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है वो NDA एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लॉन्च किए हैं। सो इट्स 90 डेज जो कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहेगा। इन दिस यू गेट 300+ hours ऑफ क्लासरूम कोचिंग। इसमें जो भी बच्चे हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियोज भी रहेंगे, 200+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर द रिवीजन, 120+ टॉपिक टेस्ट रहेंगे ऑन ऑल द टॉपिक्स, then 30+ section test for all subjects, then 40 doubt sessions on weekends ke upar doubt session aapke sath conduct kiye jayenge, 20 full length jo hai national level online mock test conduct kiye jayenge, jo bhi aapke jaise section rehte hain to usme complete paper jo hai wo 20 paper jo hai wo aapke sath aapko administer kiye jayenge, that will be online as well as offline, so that will be available for you, and then 10 books aapko provide ki jayengi jo bhi offline coaching ko avail karte hain, एंड डेली क्विज एंड डिस्कशंस ऑन द मैप। हमारे जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जो है वो डेली क्विज आपके कनेक्ट किए जाते हैं, एंड यू विल आल्सो गेट द डिस्कशन ऑन द वेरियस करंट अफेयर्स, क्विज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड ऑल। देन वी आल्सो हैव अ पर्सनलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि बच्चों को जो है वो बिसाइड दिस रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, इसके साथ में जो है वो एवरी संडे यू विल हैव अ स्पेशल सेशन विद एक्सपर्ट्स एंड द ऑफिसर फॉर द डिफेंस बैकग्राउंड, जो कि बच्चों को गाइड करते हैं कि हाउ यू कैन अपलिफ्ट योर सेल्फ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के साथ में आपको अपने आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना पड़ेगा, बिकॉज आप रिटन क्लियर कर लेंगे SSB में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट, राइट। सो देन जस्ट बिफोर द एग्जाम लास्ट के 10 डेज में इंटेंसिव कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टारगेट NDA प्रोग्राम, इसके अंदर जो है वो रिविजन भी रहेगी, साथ में एडवांस लेवल की जो प्रिपरेशन रहती है, along with that we also discuss the previous papers, वो भी आपके यहाँ डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे आप उन पेपर्स को अटेम्प्ट करके 450+ मार्क्स स्कोर करते हैं। हमारा जो टारगेट रहता है ये जो प्रोग्राम है उसमें हमारा टारगेट है कि जो कैंडिडेट्स हमारे पास 450+ मार्क्स जॉब स्कोर करें, दैट इज इस गोल के साथ, इस टारगेट के साथ हम चलते हैं, एंड दिस इज द रीजन वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन द NDA रिटन एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन में सेम जो ऑफलाइन प्रोग्राम है वैसे ही प्रोग्राम आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही 300+ लाइव वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगी, 200+ वीडियोस ऑन कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट सीरीज, बुक्स, डेली क्विज एंड 10 डेज इंटेंसिव स्टडी इन द टारगेट NDA एग्जाम। देन मूविंग हेड हम कोर्सेज की बात करें, देयर इज जो ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम जो है ये सारे फीचर्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड कोर्स फीस 25,000 रुपीज, एंड फॉर द ऑनलाइन प्रोग्राम these are the features and course fees is 8,000 rupees, that is for 3.5 months till April ka exam hai, tab tak jo aapki this is the fee that will be charged for me. Fine, so if you want to apply for these courses, any of the courses, offline course ke liye apply karna chahte hain, online course ke liye apply karna chahte hain, or you want to go for the test series only, so you can get in touch with us, you can reach us at our address, that is SU7273 sector 15D, yahan visit kar sakte hain, or you can get in touch with us 8558-000-333. This is our contact number. You can call us, you can WhatsApp us, and you can, if you want any information regarding NDA application process, NDA ka exam kaise apply karna hai, uske bare mein koi information chahiye, or you want to have any information with regard to our NDA course, offline, online course, or the test series and all, right? So
सो यू कैन गेट इन टच विद अस, वी कैन प्रोवाइड यू, वी कैन हेल्प यू विद इट. फाइन. सो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आई वुड से कि अप्लाई करिए और अपनी प्रिपरेशन में जो है उसके ऊपर जो है वो जी जान से लग जाइए. सो एनी हेल्प दैट यू नीड दैट यू कैन गेट इन टच विद अस एंड वी विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू. बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड. थैंक यू.